हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग मिस्त्री एंड को। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टॉप लीकेज विदाउट रिमूविंग बाथरूम टाइल्स। तो दोस्तों, बाज़ुकात बाथरूम लीकेज की वजह से बैरूनी दीवारों और नीचे कमरों पर सेम आ जाती है। इसकी एक बड़ी वजह तो ये हो सकती है कि बाथरूम का कोई पाइप जो है वो क्रैक हो गया हो, जिसकी वजह से पानी जो है वो उससे बाहर आ रहा है और जो है वो ये सेम जो है आपको नज़र आ रही है। लेकिन एक बड़ी वजह ये भी होती है कि बाथरूम का जो फ्लोर है, जिसमें जब टाइल लगाई जाती है तो उसमें फिलिंग की जाती है, लेकिन जब थोड़ा सा अरसा गुजर जाता है और उसको बार बार तेज़ाब से धोया जाता है तो वो फिलिंग जो है ख़त्म हो जाती है, और उसकी वजह से उन खाली जगहों पर पानी जमा होता रहता है और वो फिर दीवारों और नीचे छत को जो है सेम करता है। तो दोस्तों, आइए हम आपको इसका एक आसान हल जो है बताते हैं। सबसे पहले जो है पूरे बाथरूम को अच्छी तरह खुश्क करें, उसके बाद किसी नोकदार चीज़ से, जैसे कि हम स्क्रैपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पहले से मौजूद फिलिंग को अच्छी तरह निकालें। फिर बाथरूम फ्लोर की जो है वो सफाई करें, उसके बाद सफ़ेद सीमेंट, फिलिंग या फिर दोनों को मिक्स करके अच्छे सा जो है वो पेस्ट बना लें, और उसके बाद स्क्रैपर की मदद से या आप हाथ की मदद से भी तमाम टाइल्स में जो मौजूद गैप हैं उन्हें अच्छी तरह जो है वो उस सफ़ेद सीमेंट की बनी हुई जो पेस्ट है उसको अच्छी तरह से जो है फिल कर लें, और इस बात का पूरी तरह ख्याल रख लेना है कि कोई गैप या कोई जगह जो है बाकी ना रह जाए। इसके अलावा जो बाथरूम में जो कमोड है, बेसन है, वेस्ट जाली है, वहाँ पे भी जो है वो आपने अच्छी तरह जो है फिलिंग करनी है। इसके बाद जो है फर्श को जो है 10 से 15 मिनट तक जो है वो छोड़ दें, और उसके बाद किसी कपड़े के साथ जो है सारे फर्श को अच्छी तरह जो है सफाई कर दें। लेकिन इस बात का जो है वो ख्याल रखें कि अभी अभी आपने जो है वो इसको इस्तेमाल नहीं करना शुरू कर देना, क्योंकि अभी जो सीमेंट जो है लगा है वो अभी खुश्क नहीं हुआ। तो सफ़ेद सीमेंट को खुश्क करने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे जो है वो इस बाथरूम को इस्तेमाल ना करें। 10-12 घंटे के बाद जो है बाथरूम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जो मसला हमारा था वो अब जो है वो दूर हो चुका। तो दोस्तों, आइए हम आपको ये सारा प्रोसेस दिखाते हैं कि किस तरह हमने ये फिलिंग की है।